प्रदेश के समावेशी विकास के लिए सरकार ने पेश किया जन कल्याणकारी अनुपूरक बजट। सरकार ने 45,585 करोड़ के बजट में 2,452 करोड़ रुपए बढ़ाकर कुल बजट किया 47,037 करोड़ रुपए। उन्नत उत्तराखंड की सोच ध्यान में रखते हुए सरकार ने अनुपूरक बजट में 5 सेक्टर पर दिया जोर। ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा, पेयजल व चिकित्सा पर फोकस कर समाज के हर तबके की तरक्की के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। बजट में सड़कों के निर्माण और बेहतर चिकित्सा सेवा को भी सरकार की प्राथमिकता में रखा गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश की भौगोलिक विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए मैदानी क्षेत्रों से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों तक के ढांचागत विकास के बीच संतुलन कायम कर पहाड़ की खेती, बागवानी से लेकर किसान, आम आदमी के स्वास्थ्य, उद्योग धंधे और युवाओं के पलायन को रोकने की योजनाओं के लिए अनुपूरक बजट का प्रावधान किया है। महिला सुरक्षा के लिए सरकार ने की उत्तर रक्षा गृह योजना की शुरुआत। देहरादून और हल्द्वानी में बनेंगे महिला रक्षा गृह। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए भी धन राशि की व्यवस्था। अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान के लिए भी सरकार ने की व्यवस्था। ये सब संभव हुआ है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मजबूत इरादों, अनुभवी सोच और दूरदर्शी दृष्टिकोण से। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के बजट में कुछ सेक्टर में आई धन की कमी को अनुपूरक बजट में शामिल कर न केवल विकास कार्य को गति प्रदान की है, बल्कि बजट की घोषणाओं को योजनाओं के माध्यम से धरातल पर उतारा है।